हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम दो बड़े इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेंगे। ये मैकेनिज्म जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला मैकेनिज्म है हाइड्रेशन ऑफ इथेन। हाइड्रेशन क्या है? एडिशन ऑफ वाटर। स्टार्ट करते हैं। इथेन में डबल बॉन्ड है, वो सिमेट्रिकल है, तो वाटर के जो दो पार्ट हैं एच पॉजिटिव ओएच नेगेटिव, हम किसी भी कार्बन के साथ ऐड करते हैं, सेम प्रोडक्ट आएगा। एक कार्बन के साथ H ऐड किया, ये CH3 बन गया। दूसरे के साथ OH ऐड किया, तो यहाँ OH क्या बन गया? ये इथेनॉल। इथेन में हाइड्रेशन करते हैं तो क्या बना? इथेनॉल। अगर अल्किन सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, जैसे एग्जांपल लिया हमने प्रोपीन, तो यहाँ एडिशन है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी को रूल होता है। क्या कहता है रूल? पॉजिटिव पार्ट, वाटर का पॉजिटिव पार्ट क्या है? एच पॉजिटिव। कहां ऐड करेंगे? उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो यहां एक हाइड्रोजन है, यहां दो हाइड्रोजन है, तो पॉजिटिव पार्ट वाटर का इस कार्बन के साथ आएगा, क्या बन जाएगा? ये CH3। और OH है वो उस कार्बन के साथ जोड़ेंगे जहां कम हाइड्रोजन है, तो यहां हाइड्रोजन एक है तो OH यहां जाएगा, तो इसमें अपने पास प्रोडक्ट आ जाएगा प्रोपेन 2। लेकिन जो मैकेनिज्म है जनरली वो किसका आता है? इथीन का आता है, हाइड्रेशन ऑफ इथीन का। तो हम इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन। इथीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, जहां पाई बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उन पे कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। तो इनिशियली जो एचआयन है, एचआयन कहां से है? एसिड से। वाटर एचआयन डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इनिशियली जो एचआयन है वो कहां से आएगा? एसिड से आएगा। तो ये एचआयन यहां डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा कैसे? डबल बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड किसी एक कार्बन पे शिफ्ट होगा, उस कार्बन के साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड हमने यहां शिफ्ट किया, यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज के साथ एच का बॉन्ड फॉर्म हुआ, क्या बन गया? ये CH3। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रोटोनेशन। आफ्टर प्रोटोनेशन कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि अब यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो अब वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, और इससे अपने पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा जिसमें ऑक्सीजन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जाने से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी, और उससे क्या होगा? जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, जैसे OH बॉन्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन O की तरफ लार्जली डिस्प्लेस हो जाएंगे, और ऐसा होने से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो OH बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये स्टेप क्या हुआ? टी प्रोटोनेशन, लॉस ऑफ प्रोटोन। तो इस तरह से अपने पास इथीन से क्या आ गया? इथेन। ये जो एसिड्स, एसिड यहाँ पर ही कैटालिस्ट है, तो इनिशियली हमने यहाँ से एचआयन लिया था प्रोटोनेशन, लास्ट में क्या कर दिया? डी प्रोटोनेशन, यानी कि कैटालिस्ट है वो लास्ट में एज इट इज रह जाए जैसा स्टार्टिंग में था। तो ये एक मैकेनिज्म हमने कंप्लीट किया। सेकंड है डीहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। डीहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर। अल्कोहल से वाटर का रिमूवल कौन सा प्रोसेस है? बीटा एलिमिनेशन। क्या होता है ये? इस रिएक्शन में दो एडजेसेंट कार्बन से दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिमूव किया जाता है। तो इथेनॉल में से एक कार्बन से तो OH रिंग होगा, साथ वाले से H, और दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम होगी, तो उसको पूरा करने के इनके बीच में क्या जाएगा? पाई। तो इथेनॉल के डिहाइड्रेशन से क्या बन जाएगा? इथीन। इस मैकेनिज्म का भी पहला स्टेप है वो प्रोटोनेशन। प्रोटॉन कहां से आया? एसिड से आया। तो ये प्रोटॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जहां इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है उस पे अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन का पेयर है, लोन पेयर है, तो ये यहां से पेयर लेके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये CO बॉन्ड वीक हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई। ऐसा होने से डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर हो गया, और अपने पास इंटरमीडिएट क्या आ गया? कार्बोकेटायन। तो इस केस में स्लो स्टेप है,
फॉर्मेशन ऑफ कार्गो के टाइम क्या है, स्लो स्टेप। पहले के इसमें स्लो स्टेप कौन सा था, अटैक ऑफ वाटर एज न्यूक्लियोफाइल। अब कार्गो के टाइम है, इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुई तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, जो सी एच बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सी सी बॉन्ड सी एच बॉन्ड से मोर स्टेबल होता है, ये इसका हम ड्राइविंग फोर्स कह सकते हैं। तो इस तरह से अपने पास क्या बन गया, ये इथीन और ये ऐसे एच एन फ्री हो गया। पहला स्टेप दोनों केस में क्या है, प्रोटोनेशन। सेकेंड स्टेप क्या है, डी प्रोटोनेशन। तो अल्कोहल के जनरली जो मैकेनिज्म है उसमें हम ध्यान देंगे, पहला स्टेप फिक्स है, क्या है, प्रोटोनेशन। तो ये हमने कंप्लीट किए दो मैकेनिज्म, और एग्जाम में ये काफी बार पूछे जाते हैं, तो बड़ा ध्यान से देख के इनको समझे। थैंक यू।